आज हम सबका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, मुस्लिम कल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो मुस्लिम कल्चर इन इंडिया में हम लोग दो चार इम्पोर्टेंट उसके सब हेड्स हैं, सब टॉपिक्स कह लें, तो उनको डिस्कस करेंगे। और फिर अब जो आगे की जो क्लासेस होंगी उनमें आपको कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे, इन पर बेस्ड जो अब तक पढ़ा है। तो आप लोग अपनी स्टडीज़ को इंटैक्ट रखिए, प्रॉपर पढ़ते रहिए। चलिए, तो टॉपिक है मुस्लिम कल्चर इन इंडिया। तो मुस्लिम कल्चर को इंडिकेट करने वाली जो चीज़ें हैं वो फेमस सूफीज़, उलमा, मॉन्यूमेंट्स, और थोड़ा सा चूंकि आप एमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या अलीगढ़ मूवमेंट, या सर सैयद अहमद खां साहब की सर्विसेज, उनके अपनी कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन चीज़ों से क्वेश्चंस ना आए। इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान से इनको समझिएगा। ठीक है, तो सूफिज़म एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। सूफिज़म, सूफी उलमा, यानी वो उलमा जो सूफिज़म को प्रमोट करने के लिए या सूफिज़म को फैलाने के लिए या उसके अपनी इस्टेब्लिशमेंट में जिन्होंने रोल प्ले किया, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ उलमा जो ज़रूरी नहीं है सबके सब सूफिज़म से इंस्पायर्ड हों, वो भी हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी कुछ काम किया, ख़ास तौर से अब इसमें मुस्लिम कल्चर को समझने के लिए। तो उलमा को समझना ज़रूरी है, सूफीज़ को समझना ज़रूरी है, उस दौर में उन्होंने क्या क्या कुछ काम किया। क्योंकि एक एक जहन में आपके तस्वीर तो इससे पहले बन चुकी है, दिल्ली सल्तनत को लेकर हो या प्री इंडिपेंडेंस हालात हों देश के, पोस्ट इंडिपेंडेंस हालात हों, ये सब कुछ आपके सामने आ चुका है। तो काफ़ी सैकड़ों साल की हिस्ट्री समराइज़ कर रहे हैं हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो वो आपके सामने आ चुकी है। अब उसमें आप ये जान रहे हैं उस दौर में क्या कुछ कैसा रहा है, तो ख़ास तौर से कुछ जो हमारे शासक इससे पहले गुजर चुके मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने ऐसी कौन सी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट करी अपने दौर में जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत फेमस हो गई, है ना? कौन से सूफीज़ गुज़रे? वो जाहिर सी बात है किसी न किसी रूलर के दौर में ही रहे हैं, किसी न किसी डायनेस्टी और किसी न किसी के शासनकाल में ही रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका नाम आता है इसमें, एक मोइनुद्दीन में एक एन एक्स्ट्रा बन गया है, इसे आप क्रॉस कर लीजिए, ये नहीं होगा, मोइनुद्दीन, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये एक सूफी सेंट कह लीजिए, एक इस्लाम को मानने वाले मुसलमान, एक बहुत बड़े अपने दौर के सूफी गुजरे हैं। और इनका जो जन्म हुआ है वो सुबहिस्तान ईस्ट ईरान में हुआ है, ठीक है, 1142 AD में। अब आप सोचिए कि आपने पढ़ा है मुग़ल एम्पायर जो रहा हिंदुस्तान में, उसका दौर कब से कब तक रहा है, दिल्ली सल्तनत का कब से कब तक रहा है, ये आपके सामने है। दिल्ली सल्तनत 1206 में, और फिर ये 1526 तक रहता है, ठीक है। इसी तरह 1526 में मुग़ल एम्पायर स्टार्ट होता है जो 1857 तक रहता है। तो अब आप समझ रहे हैं, ईस्ट ईरान में जब ये शख्सियत पैदा होती है तो उस वक्त हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत भी नहीं कायम हुई थी, ठीक है। ही केम टू अजमेर, फिर ये बाद में अजमेर आ गए, और अजमेर आपको पता है कि
अजमेर, राजस्थान में, राजस्थान जो स्टेट है इंडिया का, इसमें एक सिटी है अजमेर, ठीक है। तो अजमेर में 1192 एडी में आते हैं, यानी 42 में इनकी पैदाइश होती है, 92 में आते हैं, यानी जो एज है उनकी इस वक्त वो कितनी है, 50 ईयर्स, 50 साल की उम्र में ये भारत आते हैं। और उस टाइम जब ये भारत आते हैं तो उस टाइम यहाँ पृथ्वीराज चौहान यहाँ के रूलर होते हैं अजमेर के, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सुना है, ही वॉज अ सेंट ऑफ चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफिज़म। सूफिज़म में कई ऑर्डर्स हैं, कई सिलसिले हैं, उसी सिलसिले की एक कड़ी जो है वो चिश्ती है। और चिश्ती ऑर्डर के ये सेंट जो हैं, वो ये जो ऑर्डर पूरा फाउंड किया, जिन्होंने जिसकी बुनियाद डाली, वो अबू इसहाक शानी, ये सीरियन हैं, सीरिया के रहने वाले अबू इसहाक हैं। और सीरिया में एक चिश्त एक जगह है जो कि 95 माइल्स के फासले पर है हिरात से, ठीक है, जो वेस्टर्न अफ़ग़ानिस्तान में है। तो वेस्टर्न अफ़ग़ानिस्तान में एक जगह हिरात है, वहाँ से ये 95 माइल्स के फासले पर एक जगह है चिश्त। उस चिश्त के रहने वाले अबू इसहाक सीरियन हैं, और यानी सीरिया के रहने वाले हैं। तो उन्होंने ये चिश्ती सिलसिला शुरू किया था, और भारत में इस सिलसिले की जो न्यू है, बुनियाद है, वो कौन, किसके ज़रिए है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ज़रिए। इनको गरीब नवाज भी कहा जाता है, ज़ाहिर सी बात है इनका ये टाइटल, ये जब भारत आए तो यहाँ पर इन्होंने कोई आक्रमणकारी नीति नहीं अपनाई, ये कोई अपनी सत्ता, अपनी हुकूमत कायम करने नहीं आए थे, बल्कि ये लोगों के दिलों पे हुकूमत करने आए थे। और लोगों के दिलों पे जो हुकूमत होती है वो ताकत के बल से नहीं होती, वो ज़ाहिर सी बात है आप प्यार मोहब्बत, ठीक है, प्रेम सद्भाव मैत्री, यानी जो हारमोनियस रिलेशनशिप है वो ऐसे ही बिल्डअप होती है जब लोगों के साथ जो अच्छे व्यवहार, डिसेंट कैरेक्टर उनके सामने पेश किया जाता है, उनके सामने उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता है, अच्छे से बिहेव किया जाता है, तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। तो यही काम इन्होंने भी किया, लोगों को खाना खिलाया, अपने यहाँ लंगर चलाया, लोगों की खिदमत की, सेवा करी, और इसकी बुनियाद पर लोग उन्हें गरीबों को नवाजने वाला, गरीब नवाज भी कहना लोगों ने शुरू कर दिया। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ही वॉज मुरीद ऑफ हारून उस्मानी इन बुखारा। बुखारा हारून एक जगह है जो इस उज़्बेकिस्तान में है गालिबन, और उसके ये वहाँ के हारून उस्मानी हैं और उनके ये मुरीद थे। मुरीद का मतलब होता है डिसाइपल, मुरीद का मतलब होता है डिसाइपल, यानी शिष्य, जो शिष्य कहते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया। भारत में, इंडिया में चिश्ती ऑर्डर को शुरू करने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही हैं। बाकी दुनिया में चिश्ती ऑर्डर कहाँ से फैला, वो आपको मैंने बताया, सीरिया में एक जगह है चिश्त, ठीक है, और जो कि हेरात वेस्टर्न अफ़ग़ानिस्तान से 95 माइल्स के डिस्टेंस पर है, वहाँ के रहने वाले अबू इसहाक थे, उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। मुईज़ुद्दीन मोहम्मद वॉज विद हिम व्हेन ही केम टू इंडिया। जब ये भारत आए तो इनके साथ कौन थे, मुईज़ुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, ये इनके साथ थे। अब इनके कुछ डिसाइपल्स तैयार हुए, इनके शिष्य तैयार हुए, इनसे जिन्होंने सीखा, इल्म हासिल किया, इनके साथ रहे, कल्चर्ड हुए, ठीक है, तहजीब और इल्म सब कुछ सीखा, वो कौन है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, हमीदुद्दीन नागौरी, बाबा फरीद गंज शकर, निज़ामुद्दीन औलिया। इनमें में से कईयों को अभी आप पढ़ेंगे, कुछ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इनके बड़े बड़े नाम हैं, ये छोटे मोटे नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े ये डिसाइपल्स हैं। और इन सब ने अपने अपने दौर में कभी भी ये नहीं कहा था कि हमें कोई जो है वो गॉड समझने लगे, या हमें जो है वो
हम कोई बहुत बड़े शासक समझने लगे, नहीं। तो इन्होंने ये सब कुछ क्लेम नहीं किया था, ना कभी डिविनिटी क्लेम की और ना कभी अपने आप को पॉलिटिकल लीडर के तौर पे पेश किया, ठीक है। बल्कि इन्होंने क्या किया, जो सोशल रिफॉर्मेशन का काम किया, लोगों को समाज को सुधारने का काम किया, ठीक है, बुराइयों से बचाने का काम किया, एक खुदा से, एक ईश्वर से, एक गॉड से लोगों को कनेक्ट करने का काम किया। खुद भी इन्होंने उस अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किया, यानी ये लोग स्पिरिचुअली बहुत ग्रेट थे, ये स्पिरिचुअली इन्होंने काफ़ी काम किया। तो स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक तौर पर, ठीक है, रूहानी तौर पर इन्होंने काफ़ी मेहनतें करी और रूहानी तौर पर लोगों को ये क्या करते थे, अपलिफ्ट करते थे, ठीक है, उनको एलिवेट करते थे, उनको आगे बढ़ाते थे, ठीक है, लोगों को उनके खुदा से जोड़ते थे। तो एक तरह से ये क्या करते थे, ये लोगों में एक सुधार का काम करते थे, इनका मेन काम ये था, यही इनका मोटिव था। इन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां इन्हीं कामों में लगा दी, ये गॉड फियरिंग थे, ये लोग गॉड फियरिंग, ये खुदा से डरने वाले लोग थे, पायस, राइचियस, नेक थे, ठीक है, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे, सुलझी हुई बात करते थे, ठीक है, सिंसियर सेंसिबल लोग थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, अशांति नहीं फैलाते थे, हमेशा पीस की बात करते थे, पीस, ठीक है, ये कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करते थे, कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने की बात करते थे, यानी सारे धर्म और पंथ और संप्रदाय के लोग हैं तो सब इंसान, तो सब आपस में मिलजुल करके रहें, प्रेम से रहें, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे से नफरत ना करें, एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचें, अपने बारे में बाद में सोचें, पहले दूसरे के बारे में सोचें, ठीक है, खुद से पहले दूसरे की फिक्र करें, ठीक है, यू मस्ट थिंक अबाउट अदर्स बिफोर योर सेल्फ, खुद के बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचना, ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पीछे कर देते थे, दूसरों की ज़रूरतों को आगे कर देते थे, और अपनी ज़रूरत को समझते थे, अरे ये तो हो जाएगी, दूसरों की ज़रूरत को प्राइम इम्पोर्टेंस देते थे, तब जाके ये इतने महान और इतने ग्रेट बने कि आप आज इनको पढ़ रहे हैं, बहुतों ने इनको पढ़ा है, बहुत से लोग इनका नाम लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इनके बस नाम लेवा हैं और कुछ लोग इनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो हम सब का काम ये है कि हम इनके फुटप्रिंट्स पर चलें, यानी अगर हम चाहते हैं कि समाज में समरसता हो, सौहार्द हो, ठीक है, पीस हो, हार्मनी हो, है ना, कम्युनल कोई वायलेंस ना हो, तो हम इनके फुटप्रिंट्स को हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। चलें आगे देखिए, इसके बाद इनके बारे में और कुछ जानकारी है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हमीदुद्दीन नागौरी इनके खलीफा बने आगे चल करके। ये जो जैसे एक यहाँ पर सूफी सेंट हैं, तो इनसे जुड़े हुए बहुत से डिसाइपल्स होते थे जो इनसे सीखते थे, यानी इनसे सीख रहे होते थे, पढ़ रहे होते थे, समझ रहे होते थे। फिर उसके बाद इनमें में से कुछ लोग जो अपने आप को इनके मुताबिक ढाल चुके होते थे, तो वो आगे चल करके डिसाइपल्स बन जाते थे, यानी डिसाइपल्स तो सभी हैं, लेकिन डिसाइपल्स में से भी कुछ जो ख़ास हो जाते हैं उनको कैलिफ्स कहते हैं, यानी खलीफा बन जाते थे, इनके नायब बन जाते थे। डाइड इन 1236 AD, 1236 में ये अजमेर में इनका इंतकाल हुआ, वफात हुई और वहीं इनको दफनाया गया। शेख मीर और शाहनवाज खान ये भी इनके अपनी दरगाह के प्रमाइसेस में दफन हैं, यानी जहां इनकी दरगाह है अजमेर में, वहां पर शेख मीर और शाहनवाज खान ये इनको भी दफनाया गया है, बड़े नाम हैं। हिज़ राइटिंग्स आर अनीसुल अरवाह और दलीलुल आरिफीन, ये इनकी दो बड़ी तसानीफ़ हैं, राइटिंग्स हैं, इन्होंने ये लिखा है, ठीक है, इनकी बुक्स हैं। क्या नाम है इनका, अनीसुल अरवाह और दलीलुल आरिफीन, ठीक है, नाम याद रखिएगा।
अब आता है नाम दूसरा, बाबा फरीद गंजे शकर। बाबा फरीद गंजे शकर जो हैं, इनका ओरिजिनल नेम जो है वो फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर है। क्या है? फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर, ठीक है। इनकी पैदाइश 1179 एडी में होती है मुल्तान में, और आप जानते हैं मुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द चिश्ती ऑर्डर्स ऑफ सूफिज्म। सूफिज्म का जो चिश्ती ऑर्डर है उसके ये फाउंडर थे, ठीक है, फाउंडर में से एक थे, फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। हिज लीनिएज, इनका जो खानदान का जो सिलसिला है, ठीक है, तो ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो सेकंड खलीफा है ना हज़रत उमर, इनसे जाकर मिलता है इनका नसब। तो हज़रत उमर जो के सेकंड कैलिफ हैं इस्लाम के, हज़रत अबू बकर के बाद खिलाफत राशिदा में दूसरे खलीफा, तो उनसे इनका सिलसिला नसब मिलता है। लीनियज कहते हैं सिलसिला नसब, जहाँ से ख़ानदान की वो जो जड़ें हैं रूट वहाँ तक जाती हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके स्पिरिचुअल जो गुरु हैं वो कौन है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ हज किया। 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ हज किया, और फिर उसके बाद हज करने के बाद ये अजोधन पाकपत्तन पंजाब में, जो कि पंजाब कौन है, एक पंजाब इंडिया में भी है और एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान वाले पंजाब में एक जगह है पाकपत्तन, वहाँ पर ये अजोधन एक जगह है, वहाँ ये चले गए हज करने के बाद। इनकी 3 वाइफ्स हैं, बीवियाँ, और 8 बच्चे थे इनके, 8 चिल्ड्रन। इनकी एक वाइफ है हज़ाबरा, वो डॉटर हैं सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद एक रूलर हैं, उनकी ये डॉटर हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इनके खलीफा बनते हैं बाद में, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वही जो दिल्ली में जिनकी दरगाह है, ठीक है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उनके भी बारे में आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो नेक्स्ट बात इनके बारे में है, वो इनकी डेथ होती है 1266 एडी, वही पाकपत्तन पंजाब पाकिस्तान में, और वहीं ये दफनाए जाते हैं। इनके डिसेंडेंट्स जो हैं वो अपने आप को फरीदी कहते हैं, यानी इनके बाद आने वाले लोग, इनके मानने वाले लोग फरीदी, और कुछ इनमें में से जो हैं वो फारूकी सरनेम भी लगाते हैं। फारूकी क्यों लगा रहे होते हैं? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि बाबा फरीद गंजे शकर का जो सिलसिला नसब है, लीनियज है, वो हज़रत उमर तक जाता है, और उमर का नाम क्या था? हज़रत उमर फारूक। तो इस एतबार से इनके मानने वाले कुछ फरीदी भी लगाते हैं और फारूकी भी लगाते हैं अपने सरनेम के तौर पर। और पाकिस्तान में पंजाब में एक जगह है, ये पंजाब कौन सा है? पाकिस्तान वाला। तो पाकिस्तान वाले पंजाब में एक जगह है फरीदकोट, एक शहर है, इस शहर का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इनका नाम है फरीद, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप जान लीजिए कि फरीदकोट इन्हीं बाबा फरीद गंजे शकर के नाम पर रखा गया है। इसके बाद इनको सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बाबा फरीद गंजे शकर के बाद आ गए हज़रत निज़ामुद्दीन पर। तो हज़रत निज़ामुद्दीन का जो नाम है वो ये नाम से भी जाने जाते हैं, और निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं ये आपको पता है कि अभी आपने पढ़ा है बाबा फरीद गंजे शकर के खलीफा हैं, ठीक है। तो बाबा फरीद गंजे शकर के खलीफा निज़ामुद्दीन औलिया हैं, जिनको सुल्तानुल मशाइख और महबूब इलाही भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम जो था वो शेख ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन था, बड़ा लंबा नाम है। और ये 1238 एडी बदायूं में पैदा हुए थे। बदायूं आपको पता है यूपी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इंडिया में, ठीक है। अच्छा,
फिर उसके बाद ही वॉज अ सूफी सेंट ऑफ चिश्ती ऑर्डर. अभी तक आप एक ही ऑर्डर के सारे सेंट को देख रहे हैं, चिश्ती ऑर्डर के ही हैं. चिश्ती ऑर्डर इज द ऑर्डर दैट बिलीव्ड इन ड्रॉइंग क्लोज टू गॉड. ये इस बात में यकीन रखते हैं चिश्ती ऑर्डर वाले कि खुदा के करीब जाना है थ्रू रेनन्सिएशन एंड सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी. मतलब एक तरह से खुदा का ही होकर रह जाना है और लोगों के काम आना है, ह्यूमैनिटी की सेवा करना है. इसके ज़रिए ये जुड़ते हैं खुदा से. हिज फादर अहमद बदायूनी, इनके वालिद जो हैं उनका नाम है अहमद बदायूनी, वो निज़ामुद्दीन औलिया की जब सिर्फ 5 साल उम्र थी तब इनके वालिद जो हैं वो बदायूनी साहब, अहमद बदायूनी साहब इंतकाल कर गए थे. अपनी फादर की डेथ के बाद वो दिल्ली आ गए. किसके साथ? अपनी माँ बीबी जुलेखा के साथ. तो इनकी वालदा कौन है? बीबी जुलेखा. और इनके वालिद कौन है? अहमद बदायूनी. तो नाम याद रखिएगा. 20 साल की उम्र में वो बाबा फरीद गंजे शकर से इनकी मुलाकात होती है. अभी पीछे आप पढ़ चुके हैं ना, बाबा फरीद गंजे शकर के खलीफा हैं ये. तो 20 साल की उम्र में ही ये बाबा फरीद गंजे शकर से इनकी मुलाकात होती है, मिलते हैं. फिर उसके बाद ये हर साल बाबा फरीद गंजे शकर के पास जाने लगे, उनके दरबार में, टू मीट हिम, उनसे मिलने. और फिर ख़ास तौर से रमज़ान में जो एतकाफ़ होता है वो इन्हीं के साथ किया करते थे. ठीक, एतकाफ़ वाली जो ख़ास इबादत है वो अपने इन्हीं गुरु के साथ करते थे. और एतकाफ़ आप जानते हैं कि जो रमज़ान के आखिरी लास्ट जो टेन डेज़ होते हैं रमज़ान के, जिसको कहते हैं आखिरी अशरा, तो उसमें जो है मस्जिद के अंदर रहना होता है, सेक्लूजन, मस्जिद के अंदर तन्हाई में रहना होता है और इबादत करनी होती है. 10 दिन बाहर नहीं निकलना होता है. ये आप अकायद और इबादात में गालिबन पढ़ चुके हैं. और सिर्फ कोई ख़ास काम से अपना, कोई ऐसा काम जो बिल्कुल जेन्युइन है, कोई दुनियावी काम के नहीं, आपके अपने पर्सनल काम से. ठीक है. अच्छा, जैसे आप समझ लें कि मान लीजिए पहले के दौर में मस्जिद में वॉशरूम नहीं होता था, तो अब वॉशरूम के लिए जाना है तो फिर आपको जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है. लेकिन बाहर शॉपिंग करने नहीं जा सकते. तो हर साल रमज़ान में, ये रमज़ान के महीने में हर साल ये अपने उस्ताद के साथ, अपने स्पिरिचुअल गुरु यानी बाबा फरीद गंजे शकर के पास जाया करते थे. फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जो डिसाइपल्स थे वो कौन थे? शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद चिराग़ देहली और अमीर खुसरो. अमीर खुसरो का नाम भी बहुत आपने सुना होगा. उनको तोताए हिंद भी कहते हैं. को तोताए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को, यानी पैरट ऑफ इंडिया, तोताए हिंद. इनका इंतकाल होता है 1325 एडी में दिल्ली में. ठीक है. अच्छा, यानी इनके, अगर आपसे ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए कि 1325 में, 1325 में, यानी निज़ामुद्दीन औलिया का जब इंतकाल हुआ तो दिल्ली में, बताइए क्या था? दिल्ली सल्तनत थी या मुग़ल एम्पायर था? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि मुग़ल एम्पायर तो इस्टेब्लिश हो रहा है 1526 में, और इनका इंतकाल हो रहा है 1325 में. तो अब आपका आंसर आपको पता होना चाहिए. तो अगर आपको पीरियड पता है, टाइम पीरियड. अच्छा, आगे देखिए. हिज श्राइन, इनकी जो श्राइन है, श्राइन यानी इनका जो जहां ये इस वक्त दफन है, तो वो बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन कहलाती है, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास ओल्ड दिल्ली में. दिल्ली में निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन के नाम से मशहूर जगह है, वहाँ पर इनका श्राइन है. अमीर खुसरो भी वहीं पर दफन है. और अमीर खुसरो कौन है? इनके डिसाइपल्स में से हैं. इनकी बायोग्राफी आईने अकबरी के नाम से लिखी गई है. और किसने लिखी है? अबुल फजल ने. अबुल फजल ने इनकी
बायोग्राफी लिखी है जीवनी। अब ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। इसके बाद चौथे हैं शेख अहमद सरहिंदी, इनका पूरा नाम है इमाम रब्बानी शेख अहमद अल फारूक अल सरहिंदी, ठीक है, असरहिंदी, ये बड़ा लंबा नाम है इनका। ये एक हनफी ज्यूरिस्ट थे। अब जैसे ही हनफी लफ्ज़ आ गया तो आप समझ गए कि हनफी का मतलब, अच्छा, वो स्कूल ऑफ थॉट्स जो चार हमने पढ़े हैं सुन्नी में, ठीक, ज्यूरिस्प्रूडेंस वाले, जिसमें एक हनफी है, मालिकी है, शाफई है, हम्बली है, तो अब आप वहाँ से समझ जाएंगे कि अच्छा ये वही हनफी है। ज्यूरिस्ट हैं और सूफी सेंट हैं नक्शबंदी ऑर्डर के। तो आपने एक ऑर्डर पढ़ा अभी चिश्ती और दूसरा ये नक्शबंदी। पॉपुलरली डिस्क्राइब्ड एज मुजद्दिद अल्फ़सानी, इनको मुजद्दिद अल्फ़सानी भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, बॉर्न इन 1564 AD, सरहिंद एक गांव है, सरहिंद एक गांव है फतेहगढ़ पंजाब में। और कौन सा फतेहगढ़ और एक कौन सा पंजाब? इंडिया वाला पंजाब, ठीक है। तो इंडिया वाले पंजाब में एक जगह है फतेहगढ़, एक शहर है, और उसमें एक गांव है सरहिंद। उस सरहिंद में इनकी पैदाइश होती है 1564 में, शेख अहमद सरहिंदी, ठीक है। शेख अहमद सरहिंदी ने बहुत बड़ा एक काम किया था, वो ये था कि अकबर ने, आपको याद होगा, एक दीन स्टार्ट किया था, अकबर ने एक नया मज़हब शुरू किया था और वो दीन दीन इलाही के नाम से मशहूर था। इस दीन इलाही को अपोज करने वाला कौन है? शेख अहमद सरहिंदी हैं। इन्होंने स्ट्रांगली अपोज़ किया और ये कामयाब भी हुए। अहम बात ये है, ये कामयाब भी हुए उनको चैलेंज करने में। तो दीन इलाही अकबर ने जो शुरू किया था उसको इन्होंने स्ट्रांगली अपोज़ किया। फिर डाइड इन 1624 AD, बरीड इन सरहिंद, जहाँ ये पैदा हुए थे वहीं इनका मदफन भी है, सरहिंद जो गांव है, कहाँ? फतेहगढ़ जो एक जगह है पंजाब में, इंडिया वाले पंजाब में, वहाँ पर, ठीक है। चलिए, उसके बाद हिज श्राइन, इनका जो श्राइन है वो रोज़े शरीफ के नाम से मशहूर है, रोज़े शरीफ, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रोज़े शरीफ किसके श्राइन को कहते हैं, क्या मशहूर है? तो वहाँ पर चार नाम आ गए, तो आप उसमें में से शेख अहमद सरहिंदी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। शाह वलीउल्लाह देहलवी, ये पांचवें बड़े उलमा में पांचवा नाम है। हिज ओरिजिनल नेम वाज कुतुबुद्दीन अहमद अर्रहीम, ठीक है, कुतुबुद्दीन अहमद। ये 1703 AD में दिल्ली में पैदा होते हैं। इनके ग्रैंडफादर हैं शेख वजीहुद्दीन, यानी इनके दादा, वाज अ हाई रैंकिंग ऑफिसर, ये एक बड़े मनसब पर थे, बड़े ओहदे पर थे मुग़ल एम्परर शाहजहाँ के दौर में, शाहजहाँ की आर्मी में ये एक बड़े ऑफिसर थे। इनके वालिद इनके दादा जो शेख वजीहुद्दीन के नाम से मशहूर थे। इनके जो फादर हैं वो अब्दुल रहीम, उन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर की मदद की थी किसके कंपाइल करने में? फतावा आलमगीरी को कंपाइल करने में। अब फतावा आलमगीरी क्या है? ये इसमें फतवे लिखवाए हैं किसने? औरंगज़ेब ने अपने दौर में, औरंगज़ेब आलमगीर, और उन्हीं के नाम से ये फतावा आलमगीरी है। और इस काम में मदद करने वाली जो पेश शख्सियत हैं वो शाह वलीउल्लाह के दादा, शाह वलीउल्लाह के दादा कौन है? दादा कह रहा हूँ, वालिद, फादर अब्दुल रहीम, इन्होंने इस काम में मदद की, ठीक है। तो शाह वलीउल्लाह के फादर और ग्रैंडफादर दोनों के ताल्लुक से आपको एक एक बड़ी बड़ी बात बताई गई है, उसको ध्यान में रखिएगा कि शाहजहाँ का ताल्लुक किससे है? शाह वलीउल्लाह के ग्रैंडफादर से, और आलमगीर औरंगज़ेब आलमगीर से किसका कनेक्शन है? शाह वलीउल्लाह के फादर का। कन्फ्यूज़ मत होइएगा। आगे देखिए, शाह वलीउल्लाह देहलवी के बारे में और क्या बात हमें पता है? कि इन्होंने ट्रांसलेशन किया है कुरान का पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में कुरान का ट्रांसलेशन किया, जिसका नाम है फतहुर रहमान, ठीक है। इस नाम से इन्होंने कुरान करीम का ट्रांसलेशन किया पर्शियन लैंग्वेज में। इनकी एक बहुत मशहूर किताब है जिसका नाम है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। क्या नाम है? हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। इसको
शरिया बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस्लामिक लॉज इसमें इन्होंने लिखे हैं, इस्लामिक लॉज। तो इस्लामिक लॉ की ये बुक है और हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के नाम से है। किसकी किताब है पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किताब है शाह वलीउल्लाह देहलवी की। शाह वलीउल्लाह देहलवी की मौत, इंतकाल, वफात होती है 1762 AD में दिल्ली में, और इन्हें मुनहदियन ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान का नाम दिया है, इसमें दफन किया जाता है, ठीक है, जो कि कब्रिस्तान दिल्ली में ही है। हिज फादर इज़ ऑल्सो बरीड देयर, इनके वालिद भी वहीं पर दफन हैं। अच्छा, ही हैड फोर सन्स, इनके चार बेटे थे जिनका नाम है शाह अब्दुल अजीज़, शाह रफ़ीउद्दीन, शाह अब्दुल क़ादिर और शाह अब्दुल गनी। फिर से अब्दुल अजीज़, रफ़ीउद्दीन, अब्दुल क़ादिर, अब्दुल गनी, ठीक है। तो ये शाह वलीउल्लाह देहलवी के बारे में हमें पता चला। सर सैयद अहमद ख़ान साहब इम्पॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस आएंगे, इससे पहले भी जो पढ़ाया उसको भी ध्यान में रखिएगा, लेकिन इनके बारे में तो ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा ठीक ठाक। जो सर सैयद साहब के जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज, इनके फोर फादर्स, इनके पूर्वज जो हैं वो कहाँ से आते हैं, अफ़गानिस्तान, जो अभी हेरात नाम इससे पहले भी आप पढ़ चुके थे, ठीक है, वेस्टर्न अफ़गानिस्तान में, ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुग़ल एम्परर अकबर, अकबर के दौर में इनके एंसेस्टर्स आए हैं वेस्टर्न अफ़गानिस्तान हेरात से। उसके बाद से क्या है, इनकी फैमिली कनेक्टेड रही है मुग़ल्स के साथ कहीं ना कहीं, आखिरी मुग़ल जो बादशाह हैं बहादुर शाह जफ़र तक, यानी अकबर के दौर में आए हैं इनके पूर्वज, और फिर इनके ख़ानदान का कनेक्शन कहीं ना कहीं मुग़ल से रहा है बहादुर शाह जफ़र के वक्त तक, ठीक है। आगे, और कहाँ से आए, अफ़ग़ानिस्तान में एक जगह है हेरात, वहाँ से बॉर्न, इनकी पैदाइश होती 17 अक्टूबर 1817 AD दिल्ली में। दिल्ली में इनकी पैदाइश होती है 17 अक्टूबर 1817। तो याद कर लीजिए 17 और फिर उसके बाद अक्टूबर 1817, भूलिएगा नहीं, 17, 10, 17, ठीक है। तो ये इनकी पैदाइश है 17 अक्टूबर 1717, याद रखिएगा। इसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में अब थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बाकी सब के बारे में इतना डिटेल नहीं पढ़ा है, ये इनका हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनके बारे में इनका इंट्रोडक्शन दिया है कि फैमिली बैकग्राउंड प्लस इनकी पैदाइश। फैमिली बैकग्राउंड में इनके फादर हैं सैयद मोहम्मद मुत्तकी, मदर हैं अजीज़ुन निसा बेगम, निसा का मतलब होता है विमेन, औरत, और मुत्तकी का मतलब होता है गॉड फियरिंग, द पायस, ठीक है। अच्छा, मैटरनल ग्रैंडफादर जो हैं इनके नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन खान हैं, ग्रैंडफादर हैं सैयद हादी दादा, और टीचर इनके हैं जिन्होंने पढ़ाया शाह गुलाम अली, और इनकी वाइफ हैं पारसा बेगम, और इनके बेटे हैं सैयद हामिद और सैयद महमूद, हामिद महमूद, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, तो सर सैयद अहमद ख़ान के दो बेटे हैं सैयद हामिद और सैयद महमूद, वाइफ हैं पारसा बेगम, ठीक है। पैदाइश है 10/7/1717, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान ने अब इनके इन्होंने जो काम किया, जॉब्स की हैं इन्होंने, यानी इनका इन किस क्या इनका एम्प्लॉयमेंट रहा है शुरू में, कहाँ कहाँ इन्होंने जॉब वगैरह की हैं, काम कहाँ कहाँ किया। तो 1838 AD में इन्होंने काम करना शुरू किया था दिल्ली कोर्ट में, दिल्ली के कोर्ट में, ठीक है। अपॉइंटेड एज मुनसिफ, मुनसिफ कहते हैं जज को, मुनसिफ के तौर पे इनका तकर्रुर हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ मैनपुरी में, मैनपुरी एक जगह है, ज़िला है, 1841 में, ठीक है।
फिर अपॉइंटेड हुए ये सदर अमीन बिजनौर में 1855 में, ठीक है। फिर उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट हुआ है सदरुस सुदूर, ठीक है, सदरुस सुदूर के ओहदे पर मुरादाबाद में 1858 में, ठीक है। तो आप देखते जाइए कि कितनी जल्दी जल्दी ये दिल्ली के बाद फिर यहाँ आए मैनपुरी में। इनको यानी एक तरह से इनका वो बढ़ता जा रहा है, पहले दिल्ली कोर्ट में काम किया तो उसका कोई ओहदा नहीं दिया हुआ है, देखिए फिर मुंसिफ बने, सदर अमीन बने, सदरुस सुदूर बने, यानी बराबर इनका प्रमोशन हो रहा है, बड़े जहीन थे। फिर उसके बाद 1855, फिर उसके बाद 1858, और फिर उसके बाद 1869 में ये इंग्लिस्तान चले गए, इंग्लैंड चले गए, ठीक है, बनारस से फिर ये इंग्लैंड चले गए और एंड रिटर्न बैक इन 1870, और 1870 में वापस लौट आए। 1876 में इन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया और अलीगढ़ वापस आ गए, कहाँ से, बनारस से, बनारस से ये अलीगढ़ वापस आ गए, और 1870 में, सॉरी ये वाला 76 में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कब ये वापस आए अलीगढ़, 76 में आ गए, 1876 में। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है अलीगढ़ का तहरीक शुरू होगी। अच्छा सर, सैयद अहमद ख़ान साहब ने जो कुछ यहाँ पर इनके वो हैं, जो इन्होंने कुछ लिटरेरी वर्क किया है, इनका लिटरेरी वर्क है, यानी क्या क्या इन्होंने कलम से कारनामे अंजाम दिए, तो इनकी बेशुमार किताबें हैं। रिसाला कवायद उर्दू में 1840 में है, ये जाम जाम, ये दीवान गालिब, और ये है जलाउल कुलूब बिज़िक्रिल महबूब, ठीक है। ये सीरत रसूल पर किताब है, ये सीरा ऑफ द प्रॉफिट पर किताब है, ठीक है। दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन सीरा ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी ज़्यादा डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है, बस किताब याद रखिए, और किताब के साथ साथ उसका जो पब्लिश हुई है वो निकली है, कोई रिसाला है तो वो कब हुआ। इसी तरह आसारुस सनादीद ये 1847 में, कलिमतुल हक 1849 में, सुन्नत दर रद्द बिदत, ठीक है, सुन्नत व रद्द बिदत ये 1850 में, सिलसिलतुल मुलूक 1852 में, ठीक है। तो ये बराबर लिखने पढ़ने के काम में भी लगे रहे हैं। आसारुस सनादीद 11th एडिशन, ठीक है, ये 11th एडिशन है, 1854 में निकला। तारीख सरकशी बिजनौर ये 1858 में, ठीक है। अस्हाब बगावत, बगावत हिंद 1859 में, ठीक है, अस्बाब बगावत हिंद। लॉयल मोहम्मडंस ऑफ इंडिया 1861 में, और इसी तरह तबय्यनुल कलाम, ये बाइबल की कमेंट्री है, ये 1862 में, और इन्होंने एक इंस्टीट्यूट ऑफ गैजेट भी इस न्यूज़पेपर शुरू किया 1866 में। तो ये सब इनके कारनामे हैं। इसी तरह आगे खुतबात अहमदिया 1869 में, तहजीबुल अखलाक मैगज़ीन स्टार्ट की थी 1870 में, तफसीरुल कुरान, कुरान की तफसीर भी इन्होंने लिखी है, ये 1876 से 1895 के दौर में ये पूरी इनकी मुकम्मल होती है। यानी 1876 में ये बनारस से लौटे हैं अलीगढ़, और ये उसके बाद से 95 तक तफसीर कुरान लिखते रहे। सीरत फरीदी 1896 में, उम्महातुल मोमिनीन 1898। इस तरह से ये तमाम इनकी किताबें हैं, एक नज़र डाल लीजिएगा, बार बार इसको समझ लीजिएगा, और इसमें में से कोई क्वेश्चन हो सकता है आपका बन जाए, और आए भी हैं वो मैं शेयर करूँगा बाद में। इसके बाद इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो काम किए, इस्टेब्लिश किए, जैसे साइंटिफिक सोसाइटी गाज़ीपुर में 1864 में, ठीक है। तो क्या इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से बनाए, कायम किए, कौन से ऐसे, ठीक है। इसी तरह वहाँ साइंटिफिक सोसाइटी गाज़ीपुर में खुलने के साथ ही साथ इन्होंने एक इंग्लिश स्कूल भी शुरू किया था वहाँ पर, ठीक है। फॉर्म्ड कमेटी फॉर एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए इन्होंने बनारस में एक कमेटी बनाई 1870 में। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ में ऑर्गेनाइज़ की 1886 में। तो ये सब इनके कारनामे हैं।
और इसके साथ ही साथ इनको कुछ टाइटल्स वगैरह भी मिले हैं, ठीक है, टाइटल्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, सम्मान इनको जो मिले हैं वो देख लीजिए। जवादुद्दौला आरिफ जंग फ्रॉम मुगर कोर्ट इन 1842, नॉमिनेटेड ऑनररी मेंबर ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। टाइटल ऑफ सर, सर का जो टाइटल है बहुत मशहूर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था 1869 में दिया था। टाइटल ऑफ नाइट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको दिया 1886 ने में, ठीक है। तो ये इनको मुख्तलिफ टाइटल्स हैं, अवार्ड्स वगैरह हैं, ये भी दिए गए हैं। अब मौलाना शिबली नोमानी के बारे में जान लीजिए, मशहूर शख्सियत हैं ये भी। 3 जून 1857 को, यानी ये उसी साल पैदा हुए हैं जो गदर वाला साल है, बिंदवाल आजमगढ़ में पैदा हुए। आजमगढ़ आपको पता है यूपी का एक ज़िला है, ठीक है, इंडिया। इन्होंने टीचर के तौर पर MAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यानी वही कॉलेज जो सर सैयद खान ने इस्टेब्लिश किया था, उसमें इन्होंने टीचर के तौर पर स्टार्ट किया पढ़ाई, पढ़ाना स्टार्ट किया 1882 में। ही टॉट अरबिक एंड पर्शियन, अरबी और पर्शियन वहाँ पढ़ाते थे ये। इस्टेब्लिश शिबली नेशनल कॉलेज एट आजमगढ़, आजमगढ़ का मशहूर शिबली नेशनल कॉलेज इन्होंने इस्टेब्लिश किया है 1883 में। इसके बाद सर सैयद खां की डेथ के बाद, सर सैयद खां के इंतकाल के बाद 1898 AD में इन्होंने अलीगढ़ छोड़ दिया और वापस हैदराबाद चले गए, जहाँ पर इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में एडवाइज़र के तौर पर काम किया। एडवाइज़र मतलब सलाहकार के तौर पर काम किया, ठीक है। इसके बाद 1908 में ही लेफ्ट हैदराबाद, हैदराबाद छोड़ दिया और वापस लखनऊ आ गए, और लखनऊ आकर के इन्होंने नदवतुल उलमा में प्रिंसिपल के तौर पे काम किया। नदवतुल उलमा कहाँ है? लखनऊ में है, और ये आप पढ़ चुके हैं, कब आपने इसको पढ़ा है, नदवा के बारे में अभी कल ही पढ़ा है, जब आपने कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे थे, कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसके बाद आगे देख लीजिए, इन 1913 ही वेंट बैक टू आजमगढ़, आजमगढ़ गए एंड इस्टेब्लिश्ड दारुल मुसन्निफीन, और वहाँ जाकर इन्होंने दारुल मुसन्निफीन इस्टेब्लिश किया। कब? 1913 में। दारुल मुसन्निफीन कहते हैं इसका ना, इसका मतलब हुआ हाउस ऑफ राइटर्स, हाउस ऑफ राइटर्स यानी लिखने वालों का घर, राइटर्स का घर, तो दारुल मुसन्निफीन इन्होंने कायम किया। बाकी आप देख सकते हैं कि इन्होंने और बाकी क्या-क्या काम किया, कि 1908 में इन्होंने हैदराबाद छोड़ के ये लखनऊ आए और लखनऊ में नदवा के प्रिंसिपल बने। फिर 1913 में ये आजमगढ़ वापस चले गए और वापस जाके वहाँ इन्होंने दारुल मुसन्निफीन कायम किया। 18 नवंबर 1914 को इनका इंतकाल होता है आजमगढ़ में, और वहीं इनको दफनाया जाता है। इनकी कुछ राइटिंग्स हैं, मशहूर हैं, सीरतुल नबी पर इनकी किताब बहुत मशहूर है, ठीक है। सीरतुल नबी यानी सीरा ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको चूंकि सीरा ऑफ द प्रॉफिट आपका एक अपना टॉपिक भी है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि सीरतुल नबी किसकी किताब है, और वो किताब है मौलाना शिबली नोमानी की। इसी तरह सीरत नोमान, अल मामून और अल गजाली, अल फारूक, औरंगज़ेब आलमगीर पर एक नज़र, ये इस तरह की किताबें भी इनकी हैं कुछ, और कुछ के नाम नहीं भी दिए गए हैं। इसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम भी कल आया था जब आपने खिलाफत मूवमेंट पढ़ा था, और उसमें मोहम्मद अली और शौकत अली ये दो भाई थे, अली ब्रदर्स, ठीक है। तो बॉर्न ऑन 8 दिसंबर 1878 रामपुर, रामपुर यूपी का एक ज़िला है, शहर है, ठीक है। अच्छा, वहाँ इनकी पैदाइश 1878 में होती है, यानी आफ्टर दी रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बाद के हैं ये, ठीक है। स्टडीड एट दारुल उलूम देवबंद में पढ़ा इन्होंने। दारुल उलूम देवबंद वो इदारा है जिसको आपने कल पढ़ा था कि सहारनपुर में कायम किया गया था, और वहाँ पर से बहुत से फ्रीडम फाइटर्स भी पैदा हुए।
बाकी इन्होंने फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ा अलीगढ़, यानी अलीगढ़ बाद में वो यूनिवर्सिटी बनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और फिर इसके बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन पढ़ने गए, ठीक है। ही वॉज अ लीडिंग फिगर ऑफ खिलाफा मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट के ये बिल्कुल आगे के सफ़े अव्वल के लीडर्स थे। और खिलाफत मूवमेंट कल आपने पढ़ा था कि ये एक अलाइड एफर्ट था, एक अलायंस था इंडियंस का ऑटोमन कैलिफेट को के लिए उनके फेवर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। इन 1911 इन्होंने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम कॉमरेड रखा, और एक उर्दू वीकली स्टार्ट किया जिसका नाम हमदर्द रखा। तो ये जो हमदर्द है ये वीकली है, वीकली याद रखिएगा, डेली नहीं है। वीकली का मतलब होता है जो हफ्ते में एक बार छपे, और डेली का मतलब जो रोज़ छपे, साप्ताहिक, ठीक है। तो इंग्लिश वाला कॉमरेड है, न्यूज़पेपर है वो, ठीक है, और उर्दू वाला जो है वो एक इनका हमदर्द रिसाला है। आगे देखिए न्यूज़पेपर, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के जो फाउंडर मेंबर्स थे शुरुआत के, उसके फाउंडेशन में जो जुड़े हुए लोग हैं उसमें में से एक ये भी हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये रामपुर के हैं। केम टू दिल्ली, ये दिल्ली आते हैं 1913 में, और यहाँ पर बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले करते हैं इन एक्सपेंडिंग MAO, MAO मीन्स मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को फैलाने में। फिर उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक का उसका अपना सफ़र जो है वो उस कोशिश में ये भी शामिल रहे हैं, और फिर बाद में जामिया मिल्लिया के इस्टेब्लिशमेंट में भी इनका अहम रोल है। जामिया मिल्लिया का इस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो 1920 में होता है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये एक यूनिवर्सिटी बनती है बाद में। बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1918 में ये मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बनते हैं, बाकी आपको पता है फाउंडिंग मेंबर्स में से एक मेंबर भी हैं। इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के ये प्रेसिडेंट भी क्या होते हैं, बनते हैं 1923 में। ये भी एक बहुत बड़ा इनका अचीवमेंट होता है कि INC एक बहुत बड़ी तंजीम है उस टाइम की है, आज़ादी की लड़ाई में जिसने हिस्सा लिया है उसके ये उस टाइम 1923 में प्रेसिडेंट बनते हैं। अच्छा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में एक ये भी बात बहुत अहम है कि एक डेलीगेशन गया था इंडिया से लंदन, भारत से लंदन गया था क्या करने, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस चीज़ के बारे में थी, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी रिगार्डिंग, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था रिगार्डिंग फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ इंडिया, इंडिया की आज़ादी के बारे में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित की गई 1930 में। उसमें ये शरीक होने के लिए लंदन गए, और आपको पता है उसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये भी कहा था कि अब यहाँ पर क्या होता है, हाँ, फिर उसके बाद इनकी डेथ जो होती 4 जनवरी 1931 को। तो जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो इन्होंने ये कहा था कि अगर देश को आज़ादी पूरी नहीं मिलती है तो मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं यहीं मरना पसंद करूंगा, और फिर इनकी डेथ भी हो जाती है। और फिर इनको मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस जो कि जेरूसलम में है उसके कंपाउंड में, ठीक है, कोर्टयार्ड में, उसके आंगन में इनको दफनाया गया 1931 में, जब इनकी डेथ हो गई 4 जनवरी 1931। फिर उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बहुत मशहूर नाम है ये भी, इनका ओरिजिनल नेम जो था वो मुहीउद्दीन अहमद था, ठीक है, मुहीउद्दीन स्पेलिंग मिस्टेक है। इनका 11 नवंबर 1888 मक्का सऊदी अरेबिया में ये पैदा हुए थे, ठीक है। इनकी फैमिली जो थी वो कोलकाता आई 19th सेंचुरी में कोलकाता आती गई है। ही स्टार्टेड, और 19th सेंचुरी लास्ट में, बिल्कुल मतलब एंड में, ही स्टार्टेड टू राइट अंडर हिज पेन नेम आज़ाद। आज़ाद इनका अपना एक पेन नेम था, वो पेन नेम आप जानते हैं जिसको हम तखल्लुस कहते हैं, या राइटर का अपना वो नाम जो वो अपनी राइटिंग्स में लिखना पसंद करता है, ठीक है।
एज ऑफ 16, 16 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था आज़ाद अपने पेन नेम के साथ, और इन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ अल अजहर यूनिवर्सिटी इजिप्ट में, जो अल अजहर यूनिवर्सिटी है ये वर्ल्ड की पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड्स फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अल अजहर यूनिवर्सिटी इजिप्ट में, वहाँ से इन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ मुकम्मल की थी। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है फ्रीडम मूवमेंट में, आज़ादी की लड़ाई में, और कई बार ये जेल गए हैं एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ की वजह से, एंटी ब्रिटिश यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ही स्टार्टेड उर्दू वीकली, इनके उर्दू वीकली का नाम था अल हिलाल, जो कि 1912 में स्टार्ट हुआ था, जिसको ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1914 में बैन कर दिया 2 साल के बाद। क्यों? क्योंकि उसमें एंटी ब्रिटिश लेख लिखे जाते थे, और आपको पता है उस वक्त ऐसा नहीं था कि उर्दू सिर्फ मुसलमान पढ़ते थे, उर्दू और पर्शियन और अरबिक तब सभी लैंग्वेजेस सभी लोग पढ़ते थे। ठीक है, बल्कि उर्दू और पर्शियन तो बिल्कुल आम थी, यानी बहुत से लोग पढ़ते थे उस टाइम। अच्छा, इन 1915 ही स्टार्टेड अनदर न्यूज़पेपर अल बलाग, 15 में इन्होंने अल बलाग स्टार्ट किया, और 1927 में वापस फिर अल हिलाल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये सबसे अहम इम्पॉर्टेंट बात, ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं आज़ाद हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले जो शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो अबुल कलाम आज़ाद हैं। ये इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है इनके बारे में जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद इनकी डेथ जो होती है 22 फरवरी 1948 में दिल्ली में, और जिस वक्त इनकी डेथ होती है तो ये एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर इनको दफनाया जाता है जामा मस्जिद दिल्ली के पास। इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स हैं जिनको गुबारे खातिर बहुत अहम किताब है, तज़किरा तर्जुमानुल कुरान कौल फैसल इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत मशहूर किताब है, ये इंग्लिश में है इंडिया विंस फ्रीडम, और बाकी किताबें इन्होंने लिखी हैं, देख लीजिए उनके नाम, इम्पॉर्टेंट हैं, ये सब आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। इसके बाद फेमस मॉन्यूमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है, और फेमस मॉन्यूमेंट्स तो अभी हमारे पास कुछ टाइम है तो इनको हम मॉन्यूमेंट्स को कवर करेंगे, और अलीगढ़ मूवमेंट भी बच जाएगा फिर आपका, तो इनको फिनिश कर लीजिए। ठीक है बेटा, और आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। जैसे मैंने बताया था कि फेमस सूफीज और उलमा ये आप पढ़ चुके, अब फेमस मॉन्यूमेंट्स आप पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली है कुतुब मीनार। इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनके बनाने से रिलेटेड, किसने बनाया, कैसी है स्ट्रक्चर, कैसा है, कितने दिनों में बना, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कुतुब मीनार, ये इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, और इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये किस मस्जिद के पास बनी हुई है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की, ये भी आपको पता है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक से मौत हो गई थी कंस्ट्रक्शन के टाइम, कंस्ट्रक्शन पीरियड में ही, तो फिर बाकी का काम जो है इल्तुतमिश ने मुकम्मल किया, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, ये सारे नाम आपको पता है कि ये किस दौर के हैं, दिल्ली सल्तनत के नाम है या मुग़ल एम्पायर के, ये आपका काम है, आप ढूंढिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। इट वॉज़ नेम्ड आफ्टर वन ऑफ द ग्रेट एंड फेमस सूफी सेंट्स, बहुत अहम बात है कि एक अहम सूफी सेंट जिनको बारे में अभी आप पढ़ चुके हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। ये रेड सैंड स्टोन से और वाइट मार्बल से इसको बनाया गया है, और ये सेकेंड हाइएस्ट ब्रिक मिनरेट है, यानी ऐसी मीनार जो ब्रिक यानी ईंटों की बनी हुई है, और सेकेंड हाइएस्ट है वर्ल्ड में फतेह बुर्ज के बाद, जो कि पंजाब में है लोकेटेड। इस टाइम ये मेहरौली एक एरिया है दिल्ली में, उसके वहाँ पर ये है, और इसमें अब पब्लिक एक्सेस बंद कर दी गई है, मीनार के अंदर अब पब्लिक नहीं जा सकती, पहले जाते थे,
और क्यों क्लोज हुई, क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ था 4 दिसंबर 1981 को, और इस एक्सीडेंट की वजह से फिर वहाँ पर अब एंट्री बैन कर दी गई है, वहाँ पर अंदर पब्लिक नहीं जा सकती, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसकी हाइट जो है वो 73 मीटर्स, जिसको जब हम फिट में कैलकुलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इस यूनिट को, तो ये 240 समथिंग आएगा। और मीनार के इनसाइड जो है वो एक सर्कुलर स्टेयर केस है, मतलब मीनार के अंदर एक ऐसा सर्कुलर स्टेयर केस है, जीनों का सिलसिला है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिसमें 379 स्टेप्स हैं टू गो टू द टॉप ऑफ द मीनार। मीनार के टॉप पे जाने के लिए अंदर एक स्टेयर केस का एक लंबा सिलसिला है जिसमें 379 स्टेयर्स हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद गोलकुंडा मॉन्यूमेंट्स हैं। गोलकुंडा को हम राउंड शेप्ड हिल बोलते हैं। इसमें जो है ये 11 किलोमीटर्स वेस्ट में, हैदराबाद के वेस्ट में, जो इस वक्त तेलंगाना में है, वहाँ से 11 किलोमीटर्स वेस्ट में ये सिचुएट लोकेट है। और ये कैपिटल हुआ करता था जब कभी मिडिवल सल्तनत का, कुतुब शाही डायनेस्टी में, ठीक है, मिडिवल सल्तनत में, कुतुब शाही डायनेस्टी में इसका ये जगह जो थी वो कभी कैपिटल होती थी। इसमें डायमंड्स हैं बहुत फेमस, इंक्लूडिंग द कोहिनूर डायमंड वर प्रोड्यूस्ड बाय द माइंस ऑफ गोलकुंडा। इसमें माइंस हैं, खाने हैं, जहाँ से कोहिनूर डायमंड भी मिला है, प्रोड्यूस किया गया है। गोलकुंडा फोर्ट जो है वो एक मड फोर्ट है, मिट्टी का। इसको पहले ये काकातिया डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था 13th सेंचुरी में, और 16th सेंचुरी में कुतुब शाही सुल्तान जो था उसने इसको एक बहुत ही ग्रेनाइट वगैरह लगा करके बहुत मैसिव इसका फोर्टिफिकेशन किया हुआ है, यानी इसको आगे इसकी खूबसूरती में और इजाफा कर दिया हुआ है। गोलकुंडा फोर्ट जो है कॉम्प्लेक्स है, 4 डिस्टिंक्ट फोर्ट्स का किले हैं इसमें, और ये 120 मीटर्स जो वो हिल है, ग्रेनाइट हिल पर ये बने हुए हैं, 394 फीट बनता है ये कुछ। और दूसरे मॉन्यूमेंट्स के साथ ये वेरियस टॉम्ब्स हैं इसमें कुतुब शाही सुल्तान की। द मोस्ट इम्प्रेसिव जो स्ट्रक्चर की बात जो है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है, यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह का की जो टॉम्ब है, उसका जो मकबरा है, वो बहुत इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। बाकी रेड फोर्ट आप जानते हैं, इसको शाहजहाँ ने बनवाया हुआ है। मेरा टाइम ओवर हो चुका है, हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास जब पढ़ेंगे तो उसमें यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फेमस मॉन्यूमेंट्स का भी ये पोर्शन आपका अधूरा रह गया है। और इसके बाद आपको ये भी पढ़ना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक ब्रीफ इंट्रो आपके सामने आएगा, वो भी बहुत अहम है, ठीक है। तो ये आज की क्लास इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि सर सैद के बारे में, सर सैद की एजुकेशनल जो मूवमेंट है, अलीगढ़ मूवमेंट है, उसके बारे में भी आपने पढ़ा है। तो इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस भी लेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे इन पर बेस्ड, और पिछ जो रीसेंट लेक्चर्स हो चुके हैं उन पर बेस्ड भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो तैयार रहिएगा आप सब। चलें, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है।